बनाया गया है और नाम रखा गया है द वंडर कार्निवाल। जी हाँ, इस बार आपके लिए यहाँ पर काफी कुछ नए झूले ऐड किए गए हैं ताकि आप लोग जब अंदर आए, क्योंकि होली का पर्व है तो जाहिर तौर पर आप जब कल होली पर पूरा दिन थक चुके होंगे और शाम को अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकलेंगे तो जाहिर तौर पर आपको कहीं ना कहीं एंजॉय के लिए आना पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल के पास द वंडर कार्निवाल में। और सबसे पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर थीम रखा गया है द लंदन ब्रिज। जी हाँ, लंदन ब्रिज का पूरा जो है यहाँ पर गेट तैयार किया गया है। यहाँ पर आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं, मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए यहाँ पर ढोल नगाड़े हैं, इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। आपको अंदर लेकर चलेंगे लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपसे कहेंगे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और सबसे पहले वो दिखाना चाहेंगे आपको कि इस बार द वंडर कार्निवाल, या यूँ कहें कि इस बार इस ट्रेड फेयर की खासियत ये है कि इस बार इतना बड़ा ट्रेड फेयर आपके अपने पानीपत शहर में लगाया गया है। जी हाँ, पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल के पास ये ट्रेड फेयर लगाया गया है। लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और झूलों की बात करें तो जाहिर तौर पर आप अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए, उन्हें बच्चे खास तौर पर होली के दिन वो पूरा दिन जब रंग खेलते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें शाम के वक्त कहीं पर घुमाने के लिए लेकर जाना होता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए यहाँ पर लग चुका है द वंडर कार्निवाल। जी हाँ, एक ऐसा ट्रेड फेयर जहाँ पर लंदन ब्रिज का गेट बनाया गया है, थीम काफ़ी ज़बरदस्त रखी गई है। छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से वो झूले का आनंद उठा रहे हैं। बात करें झूलों की तो झूले काफ़ी अलग अलग तरीके के लगाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जंपिंग झूला है, उसके साइड में एक नया झूला इस बार एड ऑन किया गया है, ये झूला पूरा जो है उल्टा हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के साथ, जी हाँ, कल शाम की ये जो शाम है होली की शाम, उस होली की शाम को आप अपने तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आना कहाँ पर है, आप आ सकते हैं पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल के पास। जी हाँ, द वंडर कार्निवाल में काफ़ी दूर तक जो है ये कार्निवाल लगाया गया है, ये ट्रेड फेयर लगाया गया है। तस्वीरें एक बार गेट की भी दिखाना चाहेंगे, चलते चलते आपको दिखाते हैं क्योंकि लाइव तस्वीरें हैं तो जाहिर तौर पर आपको एक एक चीज़ दिखाना जो है बनता है। लंदन ब्रिज है तो काफ़ी बड़ा जो है गेट बनाया गया है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबसे पहले अगर आप एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए फन गेम्स, जी हाँ, आपके लिए गेम्स रखी गई हैं। और होली से एक दिन के पहले की शाम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल गेम है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे हैं और इस तरीके के एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको आगे ले चलते हैं और आगे की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि पानीपत में इस तरह के स्टॉल्स, बात करें या यूँ बात करें कि पानीपत में इस तरह के ट्रेड फेयर बहुत कम लगते हैं कि आपको सब चीज़ें एक ही जगह पर मिले। झूले हैं और साथ ही खाने पीने की चीज़ें हैं, गेम्स हैं। इसके अलावा अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अगर आप इस बात की भी चिंता करते हैं कि आपको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी तो आपको पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको वहां पर पार्किंग की भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। अलग अलग गेम्स हैं, इंडियन होपला रिंग मनोरंजन थ्रो स्टॉल। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं कि रिंग के द्वारा अगर आप कुछ भी एक बार हम भी एंजॉय करके देखते हैं, इस तरह से आप भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, मेरा तो फिलहाल जो है
मैं नहीं जीत पाई और मैं नहीं उसको ले पाई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्की ड्रॉ, जी हाँ लक्की ड्रॉ, यहाँ पर आप अपने किस्मत आजमा सकते हैं कि इन बॉल्स को आप ये नंबर बनाइए और इतने बड़े बड़े गिफ्ट अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर 25 से मित्तल मेगा मॉल के पास से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले झूले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्सर आपको इस तरह के झूले नजर आते हैं, लेकिन इस बार की इस झूले में खासियत यह है कि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ऊंचा है, और ऐसे में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसका आनंद उठाना चाहिए कि उन्हें भी इस तरह की राइडिंग लेना चाहिए। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर नाव वाली जो राइड होती है वो भी यहाँ पर है। बात करें इस मेले की तो यहाँ पर अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है और लोग आना शुरू हो चुके हैं। होली है, अभी आप घर में हैं, होली की कल सुबह होगी और उस वक्त जब आप होली खेलेंगे तो शाम को, अपनी शाम को जी हाँ काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे में आप आना ना भूलिए कल शाम, जी हाँ कल शाम आप आ सकते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। और बात करें रेट की तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं, जी हाँ रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं। कई लोगों के बजट में नहीं होता कि वो अपने बच्चों को एक साथ इतने ज़्यादा झूले जो है राइड करवा सके, लेकिन आप लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर रखी गई है। आप एक तरफ राइड लीजिए, साथ ही खरीदारी भी कीजिए, खाना पीना खाइए और ढेर सारी मौज मस्ती भी कीजिए। फोटोग्राफी का एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, आप वहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंजॉय के लिए जोकर्स, जी हाँ जोकर्स भी हैं ताकि आप लोगों को एंटरटेन किया जा सके, और इसके साथ ही एक डीजे स्टेज भी बनाई गई है। अगर आपके बच्चों में कोई टैलेंट है, डांस करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोग, आपके बच्चों के लिए एक डीजे स्टेज भी बनाई गई है जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली है, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर 25 से। चलिए एक यहाँ पर कुछ गर्ल्स बैठी हैं और इंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हालांकि इनसे अभी हमने परमिशन ली है कि क्या हम इनसे बातचीत कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ये लोग नेपाल से हैं आप? हाँ जी, नेपाल से। नेपाल से तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? काफी इंजॉय किया ना? इंजॉय किया ना, मतलब मजा आया आपको यहाँ पे? बहुत मजा आया। चलिए ये लोग यहाँ पर इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, भी बोल नहीं सकते, हिंदी इन्हें समझ नहीं आ रही है, लेकिन इंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, ये बता दें कि यहाँ पर आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। हर बार आप किसी ट्रेड फेयर में आते हैं तो आपको कहीं पर बैठने की जगह नहीं मिलती, लेकिन ऐसे में आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। आप खाने पीने की स्टॉल्स आपको दिखा रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ से जो है खा सकते हैं, द वंडर कार्निवाल। और इस ट्रेड फेयर की खासियत यह है कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो अलग अलग स्टॉल है वो लगाई गई है, हाइजीन है काफ़ी, क्योंकि इन सर पे कैप लगा रखी है, हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, यानी कि आपको साफ सुथरे तरीके से जो है खाने का वो सामान मिलने वाला है। तो आपसे भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। होली है तो जाहिर तौर पर आप कल शाम आना ज़रूर चाहेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये ट्रेड फेयर कुछ दिनों के लिए ही लगा हुआ है, तो देर मत कीजिए, आप भी आ सकते हैं पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल के पास। यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाई है उसकी खासियत ये है कि जैसे हम बाहरी देशों में देखते हैं वहाँ पर ट्रेड फेयर देखते हैं, कुछ उसी तरीके का रूप जो है यहाँ पर दिया गया है। एक अलग से थीम बनाई गई है, काफ़ी ओपन एरिया में इसको बनाया गया है। आपको यहाँ पर भीड़ भाड़
जो है काफी ज्यादा नजर नहीं आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा एरिया में इसको लगाया गया है और बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ पर रखी गई है, ताकि आप अपने साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकें। आप देख सकते हैं कि पान के लिए एक अलग से स्टॉल लगाई गई है, फैमिली यहाँ पर पहुंची है और काफी ज्यादा एंजॉय करती। फायर पान कहाँ से पहुंचे हैं आप? सहारनपुर से। हर बार आते हैं आप? हर बार आते हैं। कैसा लगा अभी तक पानीपत के लोग कैसे लगे आपको? अभी बिजी है बिल्कुल, अभी फेस्टिवल है तो जाहिर तौर पर आप लोग भी बिजी है। पानीपत वाले अच्छे लोग हैं, बदतमीजी नहीं करते, अच्छे से आते हैं, जैसे पान खाते हैं जैसे चले जाते हैं, कोई बदतमीजी नहीं है। कितने सालों से पान खिला रहे हैं लोगों को? हम तो जी हुए हमें 8-10 साल हुए पान लगाते हैं, ब्याह शादियों में भी स्टॉल लगाते हैं, अपना मेले में भी चलते रहते हैं, 4-5 सेटअप आए हुए हैं। वैसे कोई भी आओ कोई भी चीज़ खाओ किसी को मना नहीं है, जैसे तो आए हुए मेहमान की इज्जत है। नुकसान तो नहीं करेगा लोगों को? नहीं 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 मैम, फिर नुकसान रहे तो हमारा वेट ना यहाँ पे बहुत भारी पड़ जाएगा। आपके इस पान वाले स्टॉल में सबसे ज्यादा खासियत क्या है? खासियत ये है, अंदाज से खिलाते हैं, शेरा शारी से खिलाते हैं, अंदाज होते ही खिलाने का पान स्टाइल से खिलाते हैं हम पान। वो शेरवानी डालते हैं बर्थडे टाइम पे, वो शेरवानी डालते हैं। अच्छा। बस आज त्यौहार था मैं तो रन ना पेते इसलिए डाली नहीं। अच्छा। मतलब आप शेरवानी डालते हैं जो सामने वाला होता है उसको शेरवानी डालते? नहीं नहीं हम डालते हैं जी। अच्छा। हम जो पान खिला रहे हैं हम ही डालेंगे, दूसरे दस्त आए आएंगे चले जाएंगे। अच्छा, अच्छा। जी एक फिर शायरी के अंदाज में एक फायर पान हो जाए। हो जाए बिल्कुल। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर पान की जो स्टॉल लगाई है, सहारनपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं। फायर पान का हमारी टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और इस ट्रेड फेयर का आनंद हम लोग भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, कुलवंत सर हैं। तो सर कैसा लगा आपको फायर पान? बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसे जब मेले आते हैं शहर में आते हैं तो देखिए अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। देखो बोलने का स्टाइल देखो उनका, तो अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। और ये मेला भी शुरू हुआ है और आज मेला घूमने आए थे, सोचा कि वीडियो भी तैयार कर लें, आप लोग साथ में थे। और एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी यहाँ पर, रोस्टेड नमकीन। जब घर में कोई मेहमान आ जाता है तो नमकीनों की बात करें तो दुकानों पर लेके जाना पड़ता है, कोई और तरह तरह की नमकीन खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन देखिए ये चीज़ें हैं, आप सर से बात करो कहाँ से आए हैं क्या चीज़ें हैं, मेरे को ये बड़ा अच्छा स्टॉल लगा इनका। बिल्कुल, रोस्टेड नमकीन, स्पेशल रोस्टेड नमकीन के नाम से एक स्टॉल आपको मिल जाएगी। ऐसी नमकीन जो है अक्सर जो है आपको नहीं मिलती, एक जगह पर एक दुकान पर नहीं मिलती, लेकिन इस ट्रेड फेयर में एक अलग से स्टॉल लगाई गई है, ताकि आप अपने बच्चों के लिए घर जाते वक्त लेके जा सके, अपने पेरेंट्स के लिए घर जाते लेके जा सके। कहाँ से आए अंकल जी आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए, स्पेशल क्या खासियत है इस रोस्टेड नमकीन? रोस्टेड है, यूनिक वैरायटी है जो पानीपत में नहीं मिलेगी, पूरे पानीपत में कोई भी वैरायटी हमारी नहीं मिलेगी। हमारे तो यूनिक सामान है, मल्टी सीट है, सारी चीज़ें हैं, आंवला है, सब चीज़ें हैं। कब से लगा रहे हो आप इस स्टॉल? ये हमें 17 साल हो गए। 17 साल हमारा ब्रांड है, सचदेवा के नाम से हमारा ब्रांड है। हाँ जी, तो दिल्ली NCR में हर मॉल में शॉप है हमारी, तो पहली बार आए हैं पानीपत में। सिर्फ नमकीन के अलावा और भी कुछ रखते हैं आप लोग? हाँ जी, मल्टी सीट है ये हमारे पास, ये सब ये मल्टी सीट वगैरह सब। अच्छा, ये हमारी सबसे स्पेशल वैरायटी है। क्या चीज़ है ये? मल्टी सीट है, सारे मगज होते हैं। अच्छा, ये गुड फॉर हेल्थ है, काजू बादाम से भी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। 10,000 काजू बादाम खाओ एक बॉक्स का, उससे ज़्यादा विटामिन मिलेंगे आपको और बॉडी में से बीमारियाँ जो है वो ख़त्म होंगी। चलिए, दिल्ली से स्पेशल आप लोगों के लिए यहाँ पर पहुँचे, एक अलग से स्टॉल लगाई गई है। जैसा कि सर ने बताया कि ऐसी वैरायटी जो आपको दिल्ली NCR में खाने को मिलती है, लेकिन अब आपको जो है
पानीपत के इस ट्रेड फेयर में मिलने वाली है। द वंडर कार्निवाल लग चुका है पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल के पास, और आपको सीधी तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं। आज हम पहुंचे थे यहां पर किसी काम से, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि होली की शाम कल आने वाली है और अक्सर जो है आप लोग चलते हैं घूमने के लिए शाम के वक्त, तो यहाँ पर आइए आपको दिखा रहे हैं शाम के वक्त की एक अलग सी एक नज़ारा दिखा रहे हैं। चांद देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कि एक शाम ऐसी जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन जो ट्रेड फेयर लगाई गई है यहां पर लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त की गई है कि यहां पर बैठे आप एक सेल्फी लेना ज़रूर चाहेंगे। राइड्स आप देख सकते हैं अलग अलग है, काफ़ी नए तरीके की राइड्स इस बार रखी गई है। बच्चों के लिए एक अलग से झूला राइड्स यहां पर रखी गई है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है बड़े झूलों में नहीं झूल पाते, तो ऐसे में उनके लिए भी एक अलग से झूला लगाया गया है। काफ़ी अच्छा तरीके का जो है झूला यहाँ पर लगाया गया है, वो नए तरीके का झूला वहाँ पर इस बार एड ऑन किया गया है आप देख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अक्सर जो है ऐसे झूले बहुत कम लगते हैं पानीपत में, या यूँ कहें कि अक्सर जो है पानीपत में इस तरह का ट्रेड फेयर बहुत कम लगता है कि आपको एक ही जगह पर सब चीज़ें मिल सके, लेकिन आपको पानीपत के सेक्टर 25 में द वंडर कार्निवाल में आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर आप बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप राइड्स लेना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं। एक डीजे स्टेज भी बनाई गई है, अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, आपके बच्चे को सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, तो आप जो है यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। एक अलग से यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर आप सेल्फी भी खींच सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको एक ही जगह पर एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ मिलने वाला है। आज छोटी होली है और कल बड़ी होली है, यानी कि कल होली है, आप सुबह के वक्त काफ़ी बिजी होंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे, लेकिन शाम के वक्त आना मत भूलिएगा। आना कहाँ पर है, आप आ सकते हैं पानीपत के सेक्टर 25 में मित्तल मेगा मॉल में। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप नीचे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, तो आपसे अपील आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरे सहयोगी रविंद्र मल्होत्रा के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।